अस्सलाम वालेकुम, पीके डिफेंस में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में 5 ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उन 5 ममालिक में तीसरा नंबर पर वतन अजीज पाकिस्तान है, जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की वजह से तीसरे नंबर पर है। आलमी जदीद की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब चारों तरफ से महफूज मुल्क बन चुका है। अब पाकिस्तान पर किसी भी मुल्क का हमला करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने दिफा को हर तरह से महफूज बना चुका है। और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान ने अपनी फौजी कुव्वत को दोगुना कर दिया है, जिसकी बदौलत अब पाकिस्तान को एक इंतहाई ताकतवर मुल्क तसव्वुर किया जाता है। और पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर बहुत सी दिफाई इंडस्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया है, जिसकी वजह से हर आए रोज़ के साथ पाकिस्तान का दिफा जदीद से जदीद तर होता जा रहा है। दोस्तों, आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है और भारत का दिफाई बजट भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन भारत अपने दिफा को इस तरह से मजबूत नहीं बना पाया है जिस तरह से पाकिस्तान ने बना दिया है। और दूसरी जानिब इसराइल के बारे में इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया जा रहा है कि अगरचे इसराइल ने पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका से ख़तरनाक लड़ाका हथियार खरीद लिए हैं, मगर पाकिस्तान के दूसरे हथियार इसराइली हथियारों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उनकी तादाद भी इसराइली हथियारों से ज़्यादा है। और इसी वजह से पाकिस्तान को इसराइली और भारत से ज़्यादा ताकतवर करार दिया गया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में मज़ीद पाकिस्तान के दिफा में ये भी इंकशाफ किया गया कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का दिफा इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह के दिफाई प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं उन्हें देखकर बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगेबान।